हेलो दोस्तों, फेसबुक लाइव में स्वागत है। आज मैं पहाड़ी कस्बा में गांव में खड़ी हूं, दलित बस्ती में। यहां पे दलित बस्ती की आबादी लगभग 300 है। इन लोगों का कहना है कि यहां पे एक भी सरकारी हैंडपंप नहीं है। सरकार का तो नियम है 150 के आबादी में एक सरकारी हैंडपंप होना चाहिए, मगर यहाँ पे एक भी हैंडपंप नहीं है। एक कुआं है, उससे लोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। यहाँ पे बस्ती से उठ के लोगों को पहाड़ी थाने के पास लगभग 2 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। नहीं मोलहा पानी लेते हैं, क्योंकि जो फिल्टर का पानी आता है उससे लोग खरीदते हैं। कोई 2 बाटर, कोई 3 बाटर लेते हैं, मगर उसमें भी पानी नहीं हो पाता। आइए, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे मिलाते हैं कि उनको किस तरह से उनका पानी मिल पाता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है? नानकी। तो पानी को लेके क्या क्या दिक्कतें होती हैं? पानी में दिक्कतें नहीं है, जब पानी है एक नहीं मिलता है। मोलहा पानी खरीदी था, 4 डब्बा 5 डब्बा ले तो 50 रुपये 60 रुपये महीना दे पड़ा था। तो जैसा आप लोग, जिस दिन पानी नहीं आया तो फिर आप लोग कहाँ से जाते हैं? बस स्टॉप। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 2.5 किलोमीटर। हाँ, पूरा हुआ, पूरा बस अड्डा तो घूम के जाक पड़ा था। इतना साधन वाधन बचा के तो जाक पड़ा था वहाँ। तो कभी आप लोग इसके बारे में, जो आपके बस्ती में एक भी हैंडपंप नहीं है, कभी प्रधान से बातचीत की? प्रधान जब यहाँ कर रहा उतने कथ नहीं हुआ, पत्थर है, बोर नहीं हो पावत। यहाँ पे एक भी हैंडपंप नहीं है? नहीं है। ये जो कुआं है, कुआं में किस तरह का पानी निकलता है? खारा है, नहीं अच्छा। तो पानी नहीं पीते? खारा है पानी, अब वो पानी नहीं रह जाता है इससे। तो बस नहाने धोने का बस? हाँ। तो गर्मी बहुत खत्म हो जाए। हम कहाँ कहीं बैठो, बस पानी। क्या नाम है? मिडिया। तो पानी को लेके क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सब दिक्कत ही है, पानी मोला है, यहाँ पाइप में पानी निकलता नहीं है। जो मोला 1-2 लगुआ हैं उसमें मोल से भरते हैं, जो जाती हैं देरिया बहुरिया उधर जाती हैं, वो चटा भी जाती हैं। इस तक गाड़ी इतना चलती है, अब क्या करी, मजबूरी में सब कुछ होता है। ये ठंडी में पानी काम करता है कुआँ, बैसाख भी सूख जाता है। तो आप लोग जो मोलहा पानी लेते हैं, कहाँ से आता है पानी? इधर आते हैं एक देवरानी के पास, सप्लाई वाला। तो हम ये बोलते हैं कि हमको सप्लाई वाला चले, जब नहीं पाताल का आता तो हमको सप्लाई लगा दें। तो क्या यहाँ पे सप्लाई भी नहीं लगी आप लोगों को? 2 बार जो जने के है उसी से भरते हैं सब लोग, उसको 50 का महीना देते हैं, भरते हैं सब लोग। जब जिस दिन लाइट नहीं आती, नहीं आती तो उधर बस अड्डे जाते हैं। तो बस अड्डा जाते हैं आप, सड़क के किनारे और दूर है, चलता है सिन्ना, और वो पार जाते हैं सड़क के, उधर जो वो तालाब है उधर लगा है नल, उधर जाते हैं बिसंडा रोड। तो क्या उसमें आप लोग जाते हैं लड़के बच्चे, तो किस तरह का खतरा होता है? तो ये खतरे में तो है, क्या करें, मजबूरी है, जाए तो पर करें। तो दिन भर में कितनी खाप ले आती हैं पानी? अरे अब 2-4 डब्बा तो लाते हैं, अभी यहाँ तो कुछ बसर हो जाता है, नहीं जाते तो फिर इधर उधर से पानी लाते हैं। तो कितने सालों से यहाँ पे? बहुत दिन से हो गए, अब जैसे गर्मी रिताई तो फिर प्रधान टैंकरों कर 2-4 दिया, वो में लड़ाई मच जाती है। तो माँ जो को पाया तो वो पाया, जो को नहीं पापा ना सीधे घर चलाता है। तो अभी नहीं टैंकर कोई व्यवस्था? अभी कहाँ टैंकर वंकर नहीं आता, जब गर्मी में आता है, जब ये कुआँ सूख जाता है।
आप एक महीने में 50 रुपए देते हैं, हाँ, तो देते हैं, मजदूरी करते हैं, किस तरह से पैसा मैनेज करते हैं? अभी नहीं मिट्टी देने तो पड़ते हैं, पानी पिएंगे तो देंगे, नहीं पाएंगे पानी पिएंगे तो नहीं देंगे, अपने इधर उधर से काम चलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि विदेशों में पानी कूलर की दिक्कत है, मगर बुंदेलखंड में दिक्कत ही सब कहे की दिक्कत ही मिट्टी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सप्लाई वाला मोटा पाइप चल जाए तो सबके घर घर आ जाए, जब नहीं है सक्सेस होता है पाइप नहीं चलता तो कोई सुनाई नहीं बेटी। जैसे वहाँ पे और लोग भी भरते हैं, भरते हैं तो जब भर लाता है तो दो चार डे पर अपना भरे, दो चार डे हमारा भरे, तो दो दो जन के है तो दो बांट बिरा के भर देते हैं। जिस दिन उन्ना भरे तो फिर आप लोग फिर उधर बस अड्डे जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? उधर देखो चौराहा पड़ता है, इधर से आती है इधर से आती है, तो कोई मको तो खतरा हो जाता है, अब मजबूरी में मर जाता है। अभी ऐसी बात इतना क्या पानी लेने जाते हों, गाड़ी इधर उधर से आ रही है, हाँ तो होता है, तो क्या कर बिट्टी, अभी तो कहानी करण कर मका कर मका ही तो दीन। क्या नाम है दीदी? मना मोट बता तो मीरा। ये बताइए आप कहाँ से पानी भरते हैं, कितने दूर से लाते हैं पानी? यहीं तो भारी था नल है, माई मामन का है तो वहीं के भारी था, तो उससे भरते हैं तो आपको पैसा लगता है? हाँ। कितना? 50 रुपये 60 रुपये जाऊँ जस डिब्बा लीन 4 लीन 5 लीन उतना पैसा लेती मजबूरी तो है। मजबूरी से क्या सप्लाई आपके घरों घरों में यहाँ पे नहीं लगी किसी के? हाँ ये बस्ती में नहीं लग गया, दो घरों में लगी है बस, वह नीचे नीचे आ उनके लगा है, नहीं ये बस्ती में नहीं लगी ऐसे हुआ था, तो इसके लिए कभी मांग नहीं की यहाँ पे भी सप्लाई लगना चाहिए? जब कोई नीच जात के सुनते नहीं यही तो क्या करी, कैसे मांगी, भूतन से मांगी? जो कोई प्रधान हुआ था तो वह आप देखे थे, दूसरे क्या नहीं देखा कि ये बना या क्या व्यवस्था का ही दे कुछ, तो कौन नहीं सुना था ठाकुर होती है। दू खेप 3 खेप ले आओ तो हम हो जाते दोपहरे का जना पानी लाई था, तो पीने के अलावा फिर कहाँ से निस्तार करती है? फिर जयम से लाई थे, फिर जाओ गर्मी में सूख गया तो फिर हुआ सब पानी आओ थे बाहर से। तो क्या लगता है जैसे जानवर भी पालते हैं बच्चे? हाँ हमारा रेक्शन मलावा थे पानी साइकिल मारे, हाँ दूर दूर साइकिल भल्लावा थे भंसावा जाओ नभे हमारा लावा भा, चार चार पाँच पाँच बच्चा है तो नभाव को पड़ते है नहाँ धुआ को पड़ते है कपड़ा धुले को पड़ते है उनका लगता है उन्हें पानी। तो किस तरह से पानी आप जगाती हैं कि इतने दिन चल ड्रामा ड्रामा रखे रहे तो भल ले थे जगवा पर से ताई ताई बसर करे खाते अब का। तो क्या लगता है कि जैसे आपके यहाँ आई हो अपने यहाँ के में पानी की सुविधा रही हो यहाँ पे आई हो तो आप लोग को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अब जाए महताई बाप जब तक दिन तक हम तो कराइन का परिचय जहाँ से जो कुछ हो रहा काम आई के बाप के ससुर क्या यहाँ दे काम है ससुरन क्या काम दे चाहे जितना दूरी हो है का पीन जाए। क्या नाम दादी? सुनिया तो कहाँ से पानी भरती हैं आप? पानी है गांव में भरी था दूठे नल है सफाई के तो उन्हें से भर लेती हैं। तो आप वहाँ से ला पाती हैं? कौन अम्मा मधाई जाती जैसे यहाँ से पानी नहीं मिल पाता तो क्या आप बस अड्डा तो जाना पाती होंगी? मैं नहीं जाती, मैं लांगर बैठा आँखें से दिखा नहीं पानी करेगा गोड़ टूट गया है इंसिडेंट हो गया है लांगर बैठे कैसे लांगर बैठी है? मोटर साइकिल में कट गई है खर जात रही है तो पानी लेने जा रही थी क्या? हाँ कब ऐसी घटना हुई है आपके साथ? बहुत दिन हो गए 3 साल 2 साल हो गए। तो अब पानी तुम्हारा कौन भरता है? हम भरी थे हमारे लड़के बच्चे ही हैं तो ले भर के धाई देती है दाई बाबा ठोका खावा अब बस अब बैठ रहे थे दिन भर अब हमें भगवान है गदयाल है तो सब धाई धो दिया
कितने सालों से पहले से जब से अब आई तब से यहाँ पे पानी की समस्या है। ये समस्या हमें नहीं है, भगवान कुआं दे है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि पानी की समस्या बहुत तेज है, मगर एक तरफ सांसद यहाँ के नेता विधायक वादा करते हैं कि हर घर में हर गांव में सप्लाई लगवाई जाएगी, मगर यहाँ देखा जाए तो लोगों को पानी की काफ़ी समस्या है। यहाँ पे किसी के घर में सप्लाई नहीं है, यहाँ पे एक दो सप्लाई लगी भी है उसमें लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, 50 रुपया 60 रुपया उन लोगों को महीना में पैसा देना पड़ता है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि विदेशों में पानी की बहुत समस्या होती है, मगर हमारे बुंदेलखंड में ऐसे गांव पड़े हैं कि पानी की काफ़ी समस्या है। क्या नाम भैया? कैसे पानी भरते हैं? कुआं में भरते हैं। कुआं में कुआं पानी पीने लायक है? पीने लायक नहीं है, खारा है ये पानी। किसने किस चीज के लिए पानी करते हैं? ये नहाने के लिए है। पीने के लिए कहाँ से लाते हैं? बस अड्डा से लाते हैं, चौराहा से। यहाँ से घर से आपको कितने किलोमीटर पड़ता है? अरे काफी है, यहीं से बस अड्डा जाना पड़ता है। एक किलोमीटर बता दो। पानी भरते हैं? अरे दिन भर भरते हैं, जब खत्म हो गया दिन भर भरते हैं। जैसे वहाँ पे काफी साधन चलते रहते हैं, तो किस तरह से आप लोग बचा के पानी लाते हैं? बचा के जाते हैं, और सिटी का मामला है, गाड़ी मोटर चलते हैं, देख कर के लाते हैं, तो काफी समस्या है, गांव में नहीं है। तो कभी इसके बारे में आप प्रधान से या सांसद विधायक से चर्चा की? अरे हम किए हैं, नहीं कोई नहीं सुन रहा है, हमने विधायक से कह किए हैं, संसद से कह चुके हैं, सबको दिखा गए हैं, यहाँ पर आए हैं सब, कुछ नहीं हुआ। सांसद कहते हैं कि योजना आई है, हर घर के लोगों के सप्लाई लगी जाएगी, वहाँ तक जाएगी सुविधा, लोगों को समस्या ना हो। सब है, पूरी जनता गई है, जो कई भर देते हैं, कई भर देते लगवा लगवा फिर कोई नहीं आता है। कब गए हैं? अरे अभी 3 महीना पहले। यहाँ पे हैंडपम्प क्यों नहीं लगते? हैंडपम्प यहाँ पर नहीं लगते हैं, अंदर मशीन नहीं आती है, पाइपलाइन की सुविधा यहाँ बन सकती है। पाइपलाइन भी नहीं लगी? पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन हजनों के बच्चे के लिए आई थी, ब्राह्मण लागू ठाकुर लगा लिए हैं, यहाँ तक नहीं लग पाई, यहाँ नहीं लग पाई। तो इसके बारे में कभी आप लोग दरखास्त नहीं दिए? दिए हैं, क्या कई बार, बार दो तीन कुछ नहीं हो पा रहा है, पर हमारे दलित बस्ती में कोई सुन नहीं रहा। क्या नाम है दीदी? रामा देवी। तो यहाँ पे पानी की समस्या है, तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते, कहाँ से लाते? क्या करें, अब हमारी जब बहुएं भी आ जाती, बच्ची भी जाती, वहाँ घंटे भर खड़े रहती हैं, जब वो जाम लग जाता है तो एक एक घंटे वहाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ कोई हमारा सुन भी नहीं रहा, सांसद विधायक कई बार ने हम अप्लीकेशन दिया पानी के लिए, कोई भी नहीं यहाँ सुन रहा। जब नल हैंड पाइप आते हैं तो बड़ी जात सब लगवा लेती है, हमारे चमारों के गरीबों के बस्ती में कोई आता भी नहीं है। और जब चुनाव प्रचार का टाइम आ जाता है तो सब लोग आते हैं, तुमको पानी लगाएंगे, तुमको नल लगाएंगे, तुमको यह देंगे वह देंगे, जब जीत जाते हैं सांसद विधायक नेता तो यहाँ कोई पहाड़ी में आता भी नहीं देखने कि कोई मर गया कि जिंदा है। कल बहू भी आती है, वो भी पानी को वहीं जाती है, क्या करें, इतनी बड़ी हमारे ऊपर समस्या, ये खारा पानी है, इसमें गाय भैंसी को पानी भर पिलाते हैं, नहा धो लिए, बस पीने को पानी एक भी नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो वहीं पानी को जाना पड़ता, यहाँ पानी भी नहीं। दिन भर में कितने खा? दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार बैसाख गर्मी के रीत में तो पानी ढोते भी रहते हैं, सारा दिन दो दो से बर्तन लेके वहाँ से चौराहा से आते हैं, क्या करी। जब पानी ढोती रहती तो फिर अन्य काम कैसे करती हैं? क्या कुछ नहीं कर पाते हैं, पानी में बिजी रहते हैं तो क्या काम करें, कोई बनी मजदूरी भी करने नहीं जाते, जिसके घर में 10 लोग हैं तो एक लोग तो पानी दिन भर ढोता है, वो क्या करे बेचारा अकेले, क्या करी औरत अकेले, समय से रोटी भी नहीं बना सकती।
कभी इसके बारे में सांसद विधायक से सबसे खा है सांसद विधायक प्रधान कोई नहीं सुनता, हमारा कोई यहाँ पहाड़ी में नहीं सुनता, और जहाँ कहो तहाँ चली, कोई सुनो कहो नहीं। एक दो नल है तो पानी आता भी नहीं है, यहाँ चल भी नहीं पाता है। कितने के लिए खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं, वहीं जाते हैं जिस पास नल है, 50 रुपया महीना मांगते हैं, कहो 2 डब्बा दें, कहो 3 डब्बा दें, बस इसने जब उन्हें कि अपने खेती लगाए कि हमको देंगे पानी, मजबूरी में भर लेते हैं। और जब फिर शादी ब्याह होता है तो टैंकर वाले के लगे जाओ तो 700, 800, 900 रुपये मांगते हैं, तो यहाँ टैंकर लाने की जगह नहीं है। जब टैंकर खड़ा कर देते हैं तो रात में जिसके घर शादी ब्याह हो नहीं पाता पानी, और जिसके नहीं वो सब भर के रख लेता है। प्रधान की तरफ से टैंक नहीं लगता? नहीं लगता, प्रधान नहीं देता, यहाँ प्रधान कुछ नहीं सुनता, न वो देता भी, तो क्या करें। पानी समय से आगे ज्यादा पैसा।